सदर अस्पताल स्थित संघ भवन में अम्बेडकर जन सत्याग्रह संगठन के बैनर तले ममता कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान ममता कार्यकर्ताओं ने सरकार से पारिश्रमिक में बढ़ोतरी, अनुकंपा पर बहाली समेत कई मांगों को पूरा करने की मांग की। ममता कार्यकर्ता संगीता कुमारी ने बताया कि हम लोग 2008 से अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोगों के समकक्ष काम करने वाली नर्स की सैलरी हम लोगों से कई गुना अधिक है, लेकिन हम लोगों को मात्र 300 रुपए पारिश्रमिक दी जाती है, वो भी हाल ही में बढ़ाया गया। इससे पहले हम लोगों को 100 रुपए पारिश्रमिक मिल रही थी। इस महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो गया है। हमको यही कहना है कि सरकार से कि हम लोग 2008 से हमको ममता कर्मचारी के साथ बिहार में बनानी है। आज तक हम लोग का 13-14-15 बरस बीत चुका है। आज तक हम लोग का मतलब कोई सरकार के ध्यान नहीं, हम लोग का आने जाने का भी कोई, ममता दीदी का दुर्घटना भी हो गया, कितना ममता दीदी भी मर गए। उनको सरकार झूठी मौजा बोल कर वादा दे करके 4 लाख रुपया हम देंगे और वो हम लोग का नहीं मिलता। तो हम यही चाहते हैं कि हम लोग का सरकार ध्यान रखे और हम लोग का महीना वेतन जो हो, हम लोग का ऐसे 300 रुपया था, 100 रुपया से हमको 300 रुपया मतलब कि किया गया परसों को। तो वो से हम लोग का बाल बच्चा का जो है 8 घंटा हम लोग 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, रात में भी करते हैं, दिन में भी करते हैं, तो हम लोग का वैसे पैसा से हम लोग का गुजारा नहीं होता है। हम लोग का बाल बच्चा सब पढ़ने लिखने वाला, हम लोग उसी काम में 12 घंटा 8 घंटा सभी बिहार को ममता दीदी हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। तो हम लोग बाहरी का चीज़ कौन काम करेंगे। हम लोग का बस सरकार से यही मांग है कि हम लोग का जब मर जाते हैं तो जगह पर बेटी बहू का नौकरी दिया जाए, जो इंश्योरेंस है वो दिया जाए, हम लोग का रहने का रूम मुहैया कराया जाए। पूरे एक एक प्रखंड में 38 जिला है, 3800 जिला में रूम मुहैया कराया। बिहार सरकार में जितने भी ममता हैं, ममता कर्मचारी, उनको भर्ती किया गया और लगभग 14 या 15 साल के तकरीबन हो गई है, लेकिन इस पर कोई माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो अपने आप को सुशासन समझते हैं और ये नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, है ना, तो ये लोग जो है ममता कर्मचारी लगभग पूरे बिहार में 13 हज़ार की संख्या में ममताओं की संख्या है। और इन लोग का जैसे कि प्रसव कराना हो गया, इससे रिलेटेड इन लोग को जॉब दिया गया, लेकिन उसके बाद है कि नहीं, इन लोग का मैंने वेतन मान हुआ नहीं, रहने का जगह है नहीं, खाना खाने के लिए रूम प्रोवाइड किया गया। अगर हमारी ममता दीदी किसी को अगर तबीयत भी खराब हो जाता है, चाहे जान आ जाए, चाहे शारीरिक समस्या कोई भी उत्पन्न होती है, तो उनको आराम करने के लिए एक रूम भी अस्पताल में, सदर अस्पताल हो चाहे रेफरल अस्पताल हो, उसमें एक भी रूम का मुहैया बिहार सरकार हमारे माननीय नीतीश कुमार नहीं करने का काम है। और नहीं इनको वेतनमान है और नहीं कोई चीज़ का फैसिलिटी है, जैसे आने जाने का कोई सुविधा है। बहुत सारा ममता कोरोना में मर गए, लेकिन उनको आज तक खोज भी नहीं किया गया है ना, आना ही उनको श्रमिकों को जैसे कि उनका बेटी बहू का। मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मियों की 5वें दिन भी हड़ताल जारी है, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कामगार यूनियन के नेता अशोक राय ने बताया कि अभी तक 2 दौर में प्रधान सचिव से उनकी बातचीत हुई है, लेकिन दोनों वार्ता असफल साबित हुई। प्रधान सचिव ने कहा कि हमें 4 सप्ताह का समय चाहिए, तो यूनियन की तरफ से कहा गया कि ये चीज लिखित में दे दीजिए, तो सफाई कर्मी अनशन समाप्त करने को तैयार है और जब तक हम लोगों को लिखित रूप से नहीं मिलेगा हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। अभी तक में 2 दौर का प्रधान सचिव से वार्ता हुआ पटना में, लेकिन दोनों वार्ता असफल हुआ। प्रधान सचिव ये कहते हैं कि हम पंचायत आपका मान लिया, हम फुटवा लेकिन वहीं गाड़ेंगे और हम आपका, अरे हम कर्मचारी के बीच में जाएंगे क्या लेकर जाएंगे, तो वो कहते हैं कि हम मांग सब देने को तैयार हैं, हमारा 4 सप्ताह का समय दीजिए। तो मैं वही कहता हूँ, मेरे महासंघ के नेता कहते हैं कि तो वही चिट्ठी दीजिए कि 4 सप्ताह में हम मांग आपका पूरा करेंगे, आ तो चिट्ठी हम नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ निर्णय हुआ कि चिट्ठी नहीं दे सकते हैं तो अब हड़ताल भी हम नहीं तोड़ सकते हैं, इस बार डिसीजन आप कीजिए। हम उस समय भी माननीय कोर्ट का निर्णय को मानकर 8 सप्ताह का माननीय कोर्ट ने हमसे समय मांगा और हमने उसके बाद 18 सप्ताह लग गया और मेरा मांग कोई नहीं मिला, इसलिए कर्मचारी इस बार
माननीय कोर्ट को भी, कोर्ट भी आदेश दिया है प्रधान सचिव को, तीन लोगों का मांग जायज है कुछ। बिहार का पहला डिजिटल पेमेंट ऐप पे हो के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर छाता चौक स्थित एक निजी रेस्टोरेंट के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पे हो के CMD दिलीप कुमार एवं प्रबंध निदेशक पंकज चौहान से संयुक्त रूप से डिजिटल पेमेंट ऐप के हो के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह बिहार का पहला डिजिटल पेमेंट ऐप है, जिसके तहत बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी सर्विस, QR सर्विसेज, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सुविधा लोगों को प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकानदारों के लिए ATM की तरह होगा, जिसमें निश्चित रूप से कैशबैक की भी सुविधा होगी। कि बिहार का पहला पेमेंट ऐप हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी तक जो भी एप्लीकेशन है वो विदेशी है या बाहरी है, हम पहला बिहारी है जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार के वासियों से, मुजफ्फरपुर वासियों से हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और सर्विस इस्तेमाल करें और कैशबैक का आनंद लें, और उससे हमें ग्रोथ मिलेगा, तरक्की मिलेगी और बिहार की तरक्की मिलेगी। और हम इसके माध्यम से, पेहो के माध्यम से रोज़गार का भी सृजन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो QR कोड होगा और जो हम माइक्रो ATM वगैरह लाएंगे, इसमें हम बेरोजगार लड़कों को जो है रोजगार भी देंगे, उनको जॉब चाहिए।